लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। सपाइयों ने मनाया सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन। बता दें, सपा कार्यालय पर काटा गया केक और दीर्घायु की करी गई कामना। और बता दें, आयोजित गोष्ठी में डाला गया मुलायम सिंह यादव के जीवन पर प्रकाश। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 82वां जन्मदिन सपा कार्यालय पर केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उनकी लंबी आयु की कामना की। वहीं बता दें, सपा संस्थापक, संरक्षक, पूर्व रक्षा मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सपा कार्यालय पर जिलाध्यक्ष दुर्गपाल सिंह उर्फ डीपी यादव के नेतृत्व में केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर एक गोष्ठी भी आयोजित की गई, जिसमें सपा कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। रिपोर्ट, शेखर यादव, फिरोजाबाद। उनका जन्मदिन पूरे प्रदेश में और देश में सब जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जन्मदिन मना रहे हैं। यहाँ केक काट के सारे कार्यकर्ताओं ने सबने जन्मदिन मनाया, अपने अपने विचार भी रखे। इसके साथ साथ हम लोग प्रत्येक वर्ष ब्लड डोनेट करते थे, लेकिन इस बार नहीं कर रहे कोरोना की वजह से। सोशल डिस्टेंस का पालन भी करना है, प्लस ऐसी स्थितियां हैं कि वहां अस्पताल में भी जाकर के डोनेट किया जाता था, तो वहां कोरोना के मरीज भी रहते हैं ऐसे हॉस्पिटल में। तो लिहाजा समस्या, तो हमारे बड़े नेताओं का निर्देश है कि थोड़ा सावधानी रखी जाए और ब्लड डोनेट इस बार न किया जाए। आगे फिर मौका देखेंगे तब करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि सब समाज को साथ लेकर चलना, गरीबों की मदद करना। उसी कड़ी में जो गरीबों को खून मिलता था, पिछली बार 80-81 पैकेट खून निकलवाया था, इस बार नहीं निकल पा रहे। अब ईश्वर से यही दुआ मनाते हैं कि नेताजी ने जिस तरह से संघर्ष करके समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है और उनके पदचिन्हों पर हम सब लोग चलने का काम भी कर रहे हैं, और ईश्वर माननीय हमारे नेताजी की आय और बढ़ावे, उनका संरक्षण हम सबको प्राप्त होता रहे और समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से उनके निर्देश में फल फूलने का मौका मिले, बढ़ने का मौका मिले और आगे सरकार 2022 में उनके आशीर्वाद से बने और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन करके हमारे देश का, प्रदेश का विकास कराने का काम कर सकते।